भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से करनाल के लघु सचिवालय के सामने बढ़ती महंगाई एवं आर्थिक संकट बढ़ाने वाले केंद्रीय बजट के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भीम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बजट जन विरोधी है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में किसानों की खेती की बात की गई, लेकिन खाद्य सुरक्षा व अन्य सब्सिडी में 75,532 की कटौती कर दी गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के चलते फैक्ट्रियां कंपनियां बंद हो रही हैं, खेती में गहरा संकट है, बाजारों में सामान बिक नहीं रहा, युवाओं और कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, जिसका मार्क्सवादी पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी पुरजोर विरोध करती है। देखिए एक रिपोर्ट। महंगाई बढ़ाने का काम किया है, जनता की जेब पर डकैती डालने का काम किया है। हम उसके विरोध में पूरे देश भर में वामपंथी पार्टियों की तरफ से आज जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन अनेकों तकलीफों को लेकर है, जिसमें बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे और अशिक्षा जैसे मुद्दे और बलात्कार जैसे मुद्दे और एनआरसी जो अननेसेसरी नागरिकता की परिभाषा परिभाषित कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, हम इनके घोर विरोध में और हमारा जहाँ तक जोर चलेगा हम इनको इस मुल्क से खदेड़ देंगे, खदेड़। हम नहीं खदेड़ जाएंगे, इतना ही कहना है मुझे। क्या नाम आपका? मेरा नाम भीम सिंह है। क्या हो आप इसमें? मैं जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।